नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल टोहाना हमारी टीम मौजूद है, कैमरामैन ने कुंगा घुमा के दिखा दे, उस तरफ भी हजारों की संख्या में जो किसान मौजूद है। और भाई जो लघु सचिवालय के ऊपर जो यहाँ पर जो किसान पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पूरी की पूरी जो पुलिस टीम है यहाँ पर खड़ी है सुरक्षा के लिए। मनदीप भाई हमारे साथ मौजूद है उमरा गांव से, जो मांगेराम मलिक, आप सभी ने नाम सुना ही है, मांगेराम मलिक जो भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक है। हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे मनदीप भाई देवेंद्र बबली पूरे प्रकरण को लेकर के? देखिए, देवेंद्र बबली एक किसान नेता का जो ढोंग कर रहा था, जो समाज सेवी होने का जो ढोंग कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने उसको वोट दिए, उसका जो बहरूपीपन का जो चेहरा था वो अब लोगों के सामने आ चुका है। किसान लोगों ने ही इसको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले में शायद पहले या दूसरे नंबर पे ये आदमी था। 6 महीने से किसान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान होने के नाते और किसान का वोट बैंक होने के नाते देवेंद्र बबली ने किसानों की आवाज बननी चाहिए थी। किसानों की आवाज बननी तो दूर, वो तो किसान के पैसा भी नहीं है। उसने किसानों को जो अपशब्द कहे हैं, उसने अपने भविष्य की जो कब्र है वो खोद ली है। किसान सरदारी देवेंद्र बबली को जो धरती के ऊपर जितना है उससे कई गुना नीचे गाड़ने का काम करेगी। आने वाले भविष्य में कभी भी देवेंद्र बबली विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा, और जो अपशब्द उसने किसानों को कहे उसका ब्याज समेत किसान सरदारी उनसे ब्याज समेत वसूल करने का काम करेगी। देवेंद्र बबली जैसा बहरूपिया समाज से भी दोबारा समाज के अंदर गंदगी न फैले, इस करके किसान सरदारी ने यह जिम्मेवारी उठा ली है कि देवेंद्र बबली जैसे गंदी राजनीति करने वाले सामाजिक चेहरा बनने का जो ढोंग करते हैं उनको समाज से और हमारी विधानसभा से और राजनीति से उनको बिल्कुल बाहर करना है। क्या लगता है, क्योंकि देवेंद्र बबली का जो इंटरव्यू देख रहे थे कल, वो देर शाम कह रहे थे कि किसान का बेटा हूँ, किसानों के समर्थन में मैंने बातचीत भी की है, अभी क्या लगता है किसान करें कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनका जो बयान था उसे नहीं लग रहा था कि वो माफ़ी मांगेंगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है। अगर आप देखते होंगे कि जनता हमारे देश में लगभग 60% और 65% वोटिंग होती है, वो कौन डालता है? किसान और मजदूर वोटिंग करते हैं, अमीर लोग कब वोट डालने नहीं जाते। गरीब आदमी नेता चुनता है ताकि उसकी आवाज़ बन सके और उसके जो सामाजिक मुद्दे हैं उनकी समस्या का हल हो। बीच में ये जिस प्रकार की गंदी राजनीति, स्वार्थ की राजनीति करके राजनेता अपने आप को दुनिया का और किसानों का ठेकेदार बताने लग जाते हैं, और जब किसान अपनी आवाज़ उठाते तो वो उनको दूसरी विपक्ष की साजिश और बहरूपे बताने का काम करते हैं, और प्रशासन को आगे करके वो उनके सिर पर लाठियां फोड़ने का जो काम करते हैं। मैं कह देना चाहता हूँ देश के प्रशासन और संविधान को, जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, जब जनता उनको वोट देती तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, और अगर जनता और उनके बीच में अगर प्रशासन आएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन को रास्ते से हट जाना चाहिए, हमारा हिसाब किताब आमने सामने बैठ के हो जाएगा। देवेंद्र बबली ने जो अब तक कह रहा था कि मैं किसानों की आवाज़ बनने की कोशिश की, ऐसी कौन सा एक काम है जब से एक साल से MLA बना हुआ है इसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र है कि इसने अपने वोट बैंक को गाली देने से और अपनी इच्छा मंत्री पद की लालसा के अंदर इसने, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के अंदर पूरी तरह से RSS है भी है, और RSS का एक मापदंड है कि जो जितना गिरेगा उसको उतना ऊंचा पद दिया जाएगा। बबीता फोगाट है, सोनाली फोगाट है, और अब ये देवेंद्र बबली है जो अपने देश की आम किसान मजदूर को अपशब्द बोल के जो कुर्सी मंत्री के पद तक पहुंचना चाहता है, ये अपने मनसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होगा, और जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। एक और सुन ली है, जो इन्होंने स्कूल चालू कर रखे हैं, स्कूल बंद है, फीस चालू कर रखी है, तो हमने एक और सिखाना अपने बच्चों को स्टार्ट कर दिया है। ये बेरूपी है, आज कोई JJP में, कोई BJP में, ये कल कोई कांग्रेस में चला जाएगा, कोई कहीं भी कोई किसी पार्टी में चले जाएगा। इनको सबक सिखाना, इन बेरूपियों को सभी को ध्यान में रखते हुए, सबको ध्यान में रखना। हमने अब 2 साल हो गए अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं, 6 महीने हो गए आंदोलन में बैठे हुए भी, स्कूल तो बंद है, पर अब इन बेरूपियों को बिछाड़ो, जो आज कोई JJP में, कोई BJP में, कल कांग्रेस में चला जाए, कोई फलाने में चला जाए, हमें क्या है? हमें तो तीनों सिर्फ एक ही चीज़ है, तीनों काले कानून वापसी, MSP पर गारंटी हो, तब तक किसान घर वापसी जाएगा नहीं, जहाँ भी हो हम लड़ेंगे किसानों के लिए, मरेंगे, अपनी शहादत भी देंगे। 350-400 किसानों ने अपनी शहादत दे दिया, अरे बूढ़े बुजुर्ग मेरी माता बहने वहाँ बैठी है, 3 साल के बच्चे से लेके 98 साल का मेरा बूढ़ा बुजुर्ग, मेरा बापू और मेरी माता वहाँ टिक रिपोर्टर सिंध रिपोर्टर जाके देख लो। हम जब तक इन बेरूपियों को और भी छाना पड़ेगा, ये कभी कभी कोई कांग्रेस का रूप लेके आ जाए, कोई BJP का, कोई JJP का, कोई इनलो का, हमें इनको बिछड़ना है। जो ये कहते हैं ना,
इन्होंने वोट लिए किसान का बेटा कह के, अरे आज किसान के ऊपर ये कर रहे हैं। आप देख दो अंदर रिपोर्ट दिखा दो भाई साहब, आपके मीडिया चैनल से कहाँ खड़े कर रखे हैं अपने बुढ़े माता बुजुर्गों को, यहाँ धूप में कई कितने इतने टेम्परेचर में यहाँ खड़े कर, अरे जलील करते हैं। हम बख्शे नहीं मर सकते हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वारिस हैं। जय जवान जय किसान है। चलो भाई बिल्कुल, वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टुआना क्षेत्र से अपने कैमरामैन से होगी इंचार्ज के साथ मैं जबार द्वाज।